Now we take question number 2, first part. First part में दिया हुआ है find the sum of given AP. ये लिखा है 7 plus कितना होगा 10 1 upon 2 plus 14 plus dash dash लगा के last में लिखा है 84. तो हमें जो AP दी हुई है, ये वाली जो AP है, इस AP का हमें क्या निकालना है? Sum find out करना है. तो जब हम इस AP का sum निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? Number of terms. किस AP के अंदर कितने number of terms है? तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमें किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? ए एन का. जब ए एन के फॉर्मूले से हमें क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट हो जाएगी. फिर इसके बाद में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सम ऑफ एनथ टर्म का. तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम शुरुआत पोस्ट करते हैं क्वेश्चन की. तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ए, ए की वैल्यू कितनी है? 7. अब हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस डी. तो डी इज इक्वल टू होता है ए टू माइनस ए वन, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. अब यहाँ पे जो d की वैल्यू आ गई है, d इज इक्वल टू सेकंड टर्म क्या है, 10 टू जाके 20 प्लस 1, तो ये हो गया 21 अपॉन 2 और माइनस कितना हो गया 7. अब यहां से जो एलसीएम आ गया वो कितना आया? 2. तो ये आ गया 21, 7 टू जाके कितना हो गया 14, और 21 माइनस 14 कितना हो गया 7 अपॉन 2. तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ गई? 7 अपॉन 2, और a की वैल्यू कितनी है? 7. अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स. तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या फॉर्मूला हमने लगाया? ए एन. तो ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी होगी? 84 इज इक्वल टू ए की वैल्यू होगी 7 प्लस कितना हो गया एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी होगी? 7 अपॉन 2. अब ये 7 कहां चला गया? लेफ्ट हैंड साइड में. तो ये आ गया हमारे पास में 84 माइनस कितना हो गया 7 इज इक्वल टू एन माइनस वन, और ये हो गया 7 अपॉन 2. 84 माइनस कितना हो गया 7, तो ये हो गया 77. अब ये 2 कहां चला गया? मल्टीप्लाई में. और ये वाला जो 7 है वो कहां चला गया? डिवाइड में. इज इक्वल टू एन माइनस 1. 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 11 आ गया. 11 टू जा कितना हो गया? 22. तो 22 इज इक्वल टू ये हो गया एन माइनस 1, ये भी इस साइड में आ गया. तो n बराबर कितना हो गया? 23. तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस एपी के अंदर? 23 है. अब हमें क्या निकालना है? इस एपी का सम. क्योंकि इस एपी के अंदर हमें क्या होता है? लास्ट टर्म गिवन है. तो हम डायरेक्ट एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे. एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ब्रैकेट के अंदर आएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो Sn इज इक्वल टू हो गया n अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल. अब नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 23. तो ये आ गया s 23 इज इक्वल टू ये आ गया 23 अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया? a प्लस एल, और a की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस l, l की वैल्यू होगी 84. तो ये आ गया s 23 इज इक्वल टू आ गया 23 इंटू 84 प्लस 7 91 अपॉन 2. अब यहां पे जब 23 की 93 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2093. तो एस 23 बराबर 2093 और अपॉन में कितना आ गया? 2. तो ये आ गया हमारे पास में एस 23 इज इक्वल टू 1046 1 अपॉन 2. अब यही इसका क्या हो गया? क्लियर. अब हम एनसीईआरटी का 4 क्वेश्चन लेते हैं, 5.3 एक्सरसाइज का. ये कह रहा कि हाउ मैन टर्म्स इन द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636. यहां पे हमें गिविन एपी दी हुई है और इस एपी का जो सम है वो 636 है. तो ये कह रहा है कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. तो सबसे पहले हमने एपी लिख ली. एपी क्या हो गया हमारे पास में? 9, 17, 25. अब यहां पे ए जो है, ए बराबर कितना आ गया? 9 आ गया. जो डी की वैल्यू है, डी इज इक्वल टू कितना हो गया? 17 माइनस कितना हो गया? 9. और 17 माइनस 9 कितना होता है? 8. तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 8. और जो एसएन है, एसएन बराबर कितना दिया हुआ है? 636. अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर? नंबर ऑफ टर्म्स. किसी वैल्यू फाइंड आउट करनी हमें? एन की वैल्यू. तो अब हमने फार्मूला लगा दिया एसएन का. तो हमारे पास में फार्मूला हो गया एसएन इज इक्वल टू
एन अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर आ गया टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी। एस एल की वैल्यू कितनी होगी, ये आ गया 636 इज इक्वल टू, ये हो गया एन अपॉन टू, ब्रैकेट के अंदर आ गया टू ए, ए की वैल्यू कितनी है 9, ये हो गया 2 इंटू 9 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी होगी 8। अब इन दोनों में से यहां से क्या होगा, 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ये आ गया 636 इज इक्वल टू, ये हो गया 2n अपॉन कितना हो गया 2, ये हो गया 9 प्लस, अब यहां पे क्या बच गया 4, और 4 की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4n माइनस 4, अब यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 636 इज इक्वल टू, एन के अंदर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 9, या पहले से सबट्रैक्ट कर लेते हैं तो 9 माइनस 4 ये आ गया 5, और 5 की जब एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास में 5n, और जब n के 4n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस कितना हो गया 4n स्क्वायर। अब हमारी जो इक्वेशन बन गई है वो इक्वेशन क्या होगी, 4n स्क्वायर प्लस कितना हो गया 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या हो गया, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू। तो अब हम क्या लगाएंगे इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट का फॉर्मूला, तो 636 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा 2544। अब हमें 2544 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस कितना आएगा 5 आएगा। कुछ बच्चे तो इसे डायरेक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इस नंबर को लिख लेगा। तो नंबर क्या बताया अभी मैंने, 2544। अब इसको हमने क्या किया, सबसे पहले 4 से डिवाइड कर दिया, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यही सेम नंबर आ जाएगा 600 आ गया। अब यहां पे कितना आ गया 14 आ गया, तो ये हो गया 36। फिर 4 से डिवाइड करो इसको, 4 वन जा 4 आ गया, 4 5 जा आ गया, और 4 9 जा आ गया। अब 3 से फिर डिवाइड कर दो तो ये कितना आ गया 53। अब इसके फैक्टर 4 4 जा कितना हो गया 16, और 16 3 जा 48, तो ये कितना आ गया 58 माइनस 48, और 58 माइनस 48 कितना हो गया 5n के। तो यहां से इसके फैक्टर क्या आए हमारे पास में 53 माइनस 48, तो ये आ गया हमारे पास में, ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस कितना हो गया 53n माइनस 48n, और माइनस कितना हो गया 636 इज इक्वल टू 0। अब पहले 2 से अलग कॉमन ले लिया, लास्ट पे 2 से अलग कॉमन ले लिया। अब पहले तो 2 से जो कॉमन आ रहा हो केवल क्या आ रहा है हमारा n, तो n तो बाहर कॉमन आ गया, तो यहां पे क्या बच गया 4n प्लस कितना हो गया 53। ऐसे यहां से माइनस का 12 बाहर कॉमन आ गया, तो ये बच गया हमारे पास में 4n प्लस 53 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब यहां से दो फैक्टर बन गए, पहला फैक्टर हो गया n माइनस 12, और सेकंड फैक्टर हो गया 4n माइनस प्लस 53 इज इक्वल टू 0। अब ये तो ये टर्म 0 के बराबर है जब ये वैल्यू 0 आई है, या ये 0 के बराबर है तब ये वैल्यू 0। तो सबसे पहले क्या हो गया n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई 12। एन की वैल्यू कैसे आई है 12, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12 है। अब सेकंड आंसर को देख लेते हैं, तो सेकंड आंसर हो गया 4n प्लस कितना हो गया 53 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हो गया 4n बराबर कितना हो गया माइनस का 53, और n इज इक्वल टू हो गया माइनस का 53 अपॉन 2, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये आंसर कैसा हो गया हमारा रॉन्ग आ गया। तो हमारा जो आंसर आया n बराबर कितना आ गया 12 टर्म्स, अर्थात इस एपी के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है 12 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, कि किसी भी एपी की जो 7 टर्म्स है उसका सम कितना है 49 है, और जो 17 टर्म्स है उसका जो सम है वो 289 है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो इसकी एन टर्म्स का सम कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है एस 7, जो 7 टर्म का सम कितना है 49, और हम फार्मूला क्या जानते हैं एस एन इज इक्वल टू हो गया एन अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
अब यहाँ पे जो सेवन टर्म्स है इसका सम कितना है 49, तो यहां से आ गया 49 इज इक्वल टू, ये हो गया 7/2, ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया 2a प्लस 7-1 इंटू डी। अब यहां पे 2 तो मल्टीप्लाई में आ गया, अब ये हो गया 49 इंटू कितना हो गया 2/7 इज इक्वल टू हो गया 2a प्लस 6d। 7 से जब 49 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया 7, और 7 × 2 = 14, तो 14 इज इक्वल टू हो गया 2a प्लस 6d। अब ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी हमारी, फर्स्ट। नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है जो 17 टर्म्स है उसका सम कितना दिया हुआ है 289, तो एस 17 इज इक्वल टू कितना हो गया 289। अब फिर फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां से आ गया 289 इज इक्वल टू कितना हो गया 17/2, ब्रैकेट के अंदर हो गया 2a प्लस 17-1 इंटू डी। अब ये आ गया हमारे पास में 289 इंटू 2/2 कितना हो गया 17, और इक्वल हो गया 2a प्लस 17-1 कितना हो गया 16d। अब 17 से मल्टीप्लाई करते 289 आता है, तो ये हो गया 17 × 2 = 34, तो यहां से हमारे पास में आ गया 34 इज इक्वल टू हो गया 2a प्लस 16d। ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। अब हमने क्या किया, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन माइनस क्या किया फर्स्ट इक्वेशन, और जब सेकंड इक्वेशन क्या लिखी हुई यहां पे 34 इज इक्वल टू हो गया 2a प्लस 16d। ये कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास में, सेकंड। अब यहां फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है हमारे पास में 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 16, तो यहां पे 14 इज इक्वल टू कितना हो गया 2a प्लस 6d के। ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी, फर्स्ट। अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। 34-14 और तो ये आ गया 20 इक्वल टू कितना हो गया 16-6 10d के, तो यहां से जो d है d बराबर हो गया 20/10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई है 2, d की वैल्यू कितनी आ गई इस क्वेश्चन में 2, और जब d की वैल्यू 2 आ गई तो d की वैल्यू हमने किसमें पुट कर दी, फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहां से आ गया पुट इन फर्स्ट, और जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहां से आ गया 14 इज इक्वल टू कितना हो गया 2a प्लस 6 × 2, और 6 × 2 कितना होता है 12, और 14-12 2, तो 2a बराबर कितना हो गया 2, तो a की वैल्यू कितनी होगी 2/2, तो a बराबर कितनी आ गई 1, तो जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी आ गई 1 आ गई, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 2 है। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म्स, अब हमें क्या निकालना है Sn, तो ये हो गया Sn इज इक्वल टू हो गया n/2, ये हो गया 2a, और a की वैल्यू कितनी होगी 1, प्लस कितना हो गया n-1, और d की वैल्यू कितनी होगी 2, तो ये इक्वल आ गया n/2, 2 × 2 प्लस ये हो गया 2n, और माइनस कितना हो गया 2। अब ये जो माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है, अब ये दोनों कैंसिल हो गए, क्लियर होगी। अब 2n की जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से Sn बराबर हो गया 2n स्क्वायर, और अपॉन में कितना हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बराबर कितना हो गया n स्क्वायर, तो यहां से जो Sn है Sn बराबर कितना हो गया n स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो गया कि जो n टर्म्स का जो सम आएगा वो कितना हो गया n स्क्वायर के, क्लियर। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है सो दैट a1 a2 a3 a4 a5 दैट डस लगा के लास्ट में an, फॉर्म एन एपी इफ an इज इक्वल टू 9 माइनस कितना हो गया 5n, आल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स 15 टर्म्स, क्लियर होगी। तो यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ है कि जो a है an है वो किसके इक्वल है 9 माइनस कितना हो गया 5n के इक्वल है। अब हमें क्या निकालना है a1 फिर a2 इस तरह वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले a1 आ गया, a1 बराबर n के वर्ग प्लस पे क्या पुट कर दिया हमने 1,
तो ये हो गया 9 माइनस कितना हो गया 5, और 9 माइनस 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 5, और 9 माइनस 5 कितना हो गया 4 आ गया। अब हमें क्या निकालना, A2 बराबर कितना हो गया 9 माइनस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10, और 9 माइनस 10 ये कितना आ गया माइनस का 1। अब हमने क्या निकाला A3 बराबर कितना हो गया 9 माइनस कितना हो गया 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, और 15 माइनस कितना हो गया 9, ये हो गया माइनस का 6। फिर हमें क्या निकालना है A4, अब A4 किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 9 माइनस 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 20, 20 माइनस 9 तो ये आ गया माइनस का 11। तो हमारे जो AP बन गई वो AP क्या होगी 4 माइनस 1 माइनस का 6 माइनस का 11। अब नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, ये AP की फॉर्म आ गई, ऑल्सो फाइंड द क्या होगा सम ऑफ इट्स 15 टर्म। अब हमें इसकी क्या करना है 15 टर्म का सब निकालना है, तो हमें क्या निकालना है S15, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। और हमारे पास में फार्मूला होता है SN इज इक्वल टू N अपॉन 2, ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो N की वैल्यू क्या होगी यहां पे 15, अब इसमें वैल्यू पुट कर दी तो S15 इज इक्वल टू आ गया, ये हो गया 15 अपॉन 2, 2A, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, A का मीन्स क्या होता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कितनी है 4, तो 2 इंटू कितना हो गया 4, 2 इंटू 4 प्लस कितना हो गया N माइनस 1, और N की वैल्यू कितनी होगी 15 और माइनस 1। अब हमें क्या निकालना कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास में माइनस का 1 और माइनस का 4, तो D की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 5। तो ये हो गया S15 इज इक्वल टू हो गया 15 अपॉन 2, 4 टू जा 8, अब यहां पे 15 माइनस 1 14, और 14 की जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 से तो ये हो गया माइनस का 70। तो ये हो गया S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू 70 माइनस से माइनस से तो 70 हो गए, और प्लस कितना हो गया 8 आ गया, तो माइनस कितना हो गया 62। 62 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया माइनस का 31। तो S15 बराबर ये हो गया माइनस कितना हो गया 15 इंटू 31, तो ये आ गया S15 इज इक्वल टू माइनस 15 वन जा 15, और 15 थ्री जा 48, और 48 और 1 49। तो यहां पे जो 15 टर्म्स का सम कितना आएगा वो कितना आएगा माइनस का 495।